गुड मॉर्निंग ऑल, मैं प्रशांत गहलोत, एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इट इज़ अ फ्री अवेयरनेस कैंपेन फॉर फिश फार्मिंग इन नेचुरल पॉन्ड, अर्दन पॉन्ड, सीमेंटेड टैंक एंड बायोफ्लॉक कल्चर। 14 नवंबर के वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बायोफ्लॉक कल्चर पर बनाया था, जिसे बहुत पसंद किया गया है। अगर आपने यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे आप देख सकते हैं और बायोफ्लॉक कल्चर को समझ सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग को लिए। आज के पोल खोल वीडियो सीरीज में हम बायोफ्लॉक कल्चर, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, बायोफ्लॉक प्रोसेस और नाइट्रिफिकेशन पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तथा सभी चीज़ों को समझें और सही निर्णय करें। Yesterday we have write some tagline for you. We write the success story for you. हम आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। You means our youth and farmer, हमारा युवा और किसान। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, बायोफ्लॉक सबसे पहला जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आता है बायोफ्लॉक को लेके, प्रोबायोटिक्स। मार्केट में ऑलरेडी हम एक्वा कल्चर में बहुत तरह के प्रोबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, जिसमें नंबर वन वाटर, जो आपके वाटर पैरामीटर के मेंटेनेंस के लिए है। सॉयल प्रोबायोटिक जो भी आपकी बॉटम स्लज, उनके पैरामीटर्स के मेंटेनेंस के लिए। थर्ड वन इज़ गट, आपका फिश की हेल्थ के लिए और उसका इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसके लिए यूज़ होता है। मोटा मोटा से समझे बायोफ्लॉक को, तो बायोफ्लॉक है क्या? बायोफ्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड रिच सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, प्रोटोजोआ, एल्गी, डेड ऑर्गेनिज्म और बहुत कुछ उसमें आपका है, वो हमने वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया है, सिंगल सेल्स प्रोटीन है जो आपको मिलता है, जो आपकी फिश के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया का काम करता है। प्रोटोजोआ है, एल्गी है, डेड ऑर्गेनिज्म है, जो सब कुछ आपके वाटर पैरामीटर के मेंटेनेंस और आपका फिश के फूड के लिए यूज़ होता है। सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ आती है आपकी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है आपका? किल द बैड बैक्टीरिया, जो भी आपका इन्फेक्शन डिजीज हुआ है आपकी फिश को, उसका बैक्टीरिया को किल करता है। उसमें आपका गुड बैक्टीरिया भी है और बैड बैक्टीरिया भी है। तो जब हम अपने बायोफ्लॉक कल्चर में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, तो हम हमेशा उसको अवॉइड करते हैं या हम उसको फीड में देने की सलाह देते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ गुड बैक्टीरिया, जो भी आपका बैक्टीरिया है जो आपके फिश फार्मिंग के लिए, गुड कल्चर के लिए चाहिए, वो आपका प्रोबायोटिक्स है। नीचे की टेबल में आप देख रहे हैं, एक तरफ आपका बायोफ्लॉक, सेकंड नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। फिश फार्मिंग को करने से पहले आप इन दोनों प्रोसेस को आपको समझना होगा। अगर हम बायोफ्लॉक की बात करें तो ये हमारा हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे काम करता है। हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का काम जो है आपका, जिसमें आप देख रहे हैं फिश एंड फूड, जो भी आपके वाटर में आ रहा है, माइक्रोबायल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। ये कौन कन्वर्ट करेगा? आपका हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और उसको लास्ट में जो भी रिमेनिंग कंपोनेंट बच जाएगा, जिसमें नॉन यूटिलाइज आपका कार्बन सोर्स है और आपका अमोनियम है NH4, वो आपका रिड्यूस कर देगा उसको। तो इस तरह से आपका बायोफ्लॉक वर्क करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कौन से बैक्टीरियाज इसमें यूज़ करेंगे। अधिकतर बैक्टीरिया जो इसमें यूज़ होते हैं वो आपके बेसिलस ग्रुप के हैं, जिसमें टॉप मोस्ट बेसिलस सेप्टेलिस, बेसिलस मेगाटेरियम, बेसिलस पॉलीमिक्सा, लैक्टोबेसिलस स्पोरोजिनस और बी पोलिमस, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो कोई भी प्रोबायोटिक जब आप परचेस कर रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, और उस पर जो सबसे बड़ी यूनिट है उनको काउंट करने की, वो है आपका CFU पर ग्राम। CFU इज स्टैंड्स फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, जिसमें आपका जो आपका प्रोबायोटिक मिलेगा फॉर बायोफ्लॉक कल्चर, वो हमेशा आपका
पाउडर फॉर्म में होगा, उस पाउडर फॉर्म को आप स्पोर बोलते हैं, और आपका बैक्टीरिया जो है वो डोरमेंट कंडीशन में होता है। डोरमेंट यानी कि वो आपका लाइव है पर एक्टिव नहीं है, जैसे ही आप उसको ऑक्सीजन और कार्बन सोर्स देंगे तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा। आई थिंक मैंने क्लियर किया होगा, फिर भी आपके कुछ इश्यूज हैं या कुछ और फर्दर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। सेकंड प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। जब भी आप कहीं पर भी पानी रख रहे हैं, चाहे आपका नेचुरल पॉन्ड हो, सीमेंटेड टैंक हो, तो इनिशियल के 4 to 6 वीक में ये आपका प्रोसेस चलेगा। इसमें आपका क्या है कि जो भी आपका फिश है, फूड है, जो भी आपका वेस्टेज निकल रहा है, उसमें आपका दो कंपोनेंट निकलते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंड इज अमोनिया NH3। वही प्रोसेस आपका सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको NO2 बोलते हैं, और जो ये बैक्टीरिया काम करता है वो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया काम करता है। इसी प्रोसेस को आप नाइट्राइट्स में जाता है वो NO3, और उसके बाद जो भी है आपका वेस्ट रिमूव बाय प्लांट्स और वाटर डिस्चार्ज से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे इन जनरल कुछ फार्मर्स उसको सीमेंटेड टैंक में एज अ मैनुअल रेस की तरह भी यूज कर रहे हैं। तो जो आपका बायोफ्लॉक वाला प्रोबायोटिक मिलेंगे वो सारे आपके स्पोर फॉर्मेट में होंगे, पाउडर फॉर्म में होंगे, और जितना भी आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वाले मिलेंगे वो आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे, और दोनों का कल्चर भी आपका डिफरेंट है। अगर आप बायोफ्लॉक की बात करें तो इसमें जो आपका बैक्टीरिया हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, उसका ग्रोथ जस्ट डबल है, बहुत जल्दी वो ग्रो करता है, जबकि आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो आपके बैक्टीरिया यूज़ होते हैं नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर, उनका ग्रोथ बहुत 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 स्लो है, वो 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, इतना टाइम लेते हैं। तो दोनों कल्चर को आप समझें, उसके बाद आप फर्दर उन चीज़ों पे रिसर्च करें। ऑलरेडी साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च की हुई है, तो अगर आप उनको सही तरह से ज्ञान को इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे, तो यू कैन ईजली डू इट योर कल्चर। आई थिंक आज के वीडियो में मैंने टॉपिक को अच्छे से कवर किया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, ताकि हमारा यह निःशुल्क फ्री प्रयास सब तक पहुँच सके और सब इसका फ़ायदा उठा सकें। आज आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, ताकि हम आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।